आज हम आपके लिए लेके आए हैं कष्ट भंजन हनुमान जी की एक कहानी। शनि देव को स्वयं हनुमान जी के कोप से बचने के लिए बनना पड़ा था एक स्त्री। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन रिचुअल्स में। दोस्तों, गुजरात में भावनगर के सारंगपुर में हनुमान जी का एक अति प्राचीन मंदिर स्थित है, जो कि कष्ट भंजन हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में हनुमान जी के पैरों में स्त्री रूप में शनि देव बैठते हैं। सभी जानते हैं कि हनुमान जी स्त्रियों के प्रति विशेष आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। ऐसे में उनके चरणों में किसी स्त्री का होना आश्चर्य की बात है। लेकिन इसका संबंध एक पौराणिक कथा से है, जिसमें बताया गया है कि आखिर क्यों शनि देव को स्त्री का रूप धारण कर हनुमान जी के चरण में आना पड़ा। आइए पहले जानते हैं ये कथा। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हनुमान जी और शनि देव से जुड़े अनेकों प्रसंग हैं, जो बताते हैं कि कैसे समय समय पर हनुमान जी ने शनि देव को ठीक किया था। एक समय शनि देव का प्रकोप काफी बढ़ गया था। शनि के कोप से आम जनता भयंकर कष्टों का सामना कर रही थी। ऐसे में लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे शनि देव के कोप को शांत करें। बजरंग बली अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और उस समय श्रद्धालुओं की प्रार्थना सुनकर वे शनि पर क्रोधित हो गए। जब शनि देव को यह मालूम हुआ कि हनुमान जी उन पर क्रोधित हैं और उनसे ही युद्ध करने आ रहे हैं, तो वे बहुत भयभीत हो गए। भयभीत शनि देव ने हनुमान जी से बचने के लिए स्त्री रूप धारण कर लिया। शनि देव जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे स्त्रियों पर हाथ नहीं उठा। हनुमान जी शनि देव के सामने पहुंच गए। शनि देव स्त्री रूप में थे। तब शनि ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और भक्तों पर से शनि का प्रकोप हटा लिया। तभी से हनुमान जी के भक्तों पर शनि देव की तिरछी नजर का प्रकोप नहीं होता। तो दोस्तों, ये था शनि देव और हनुमान जी के ऊपर एक प्रसंग। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कष्ट भंजन हनुमान मंदिर के बारे में। सारंगपुर में कष्ट भंजन हनुमान जी के मंदिर का भवन काफी विशाल है। यह किसी किले के समान दिखाई देता है। मंदिर की सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। कष्ट भंजन हनुमान जी सोने के सिंहासन पर विराजमान है और उन्हें महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा के आसपास वानर सेना दिखाई देती है। यह मंदिर बहुत चमत्कारी है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि कुंडली में शनि दोष है तो वह भी कष्ट भंजन के दर्शन से दूर हो जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही आकर्षक है। मंदिर की स्वयं की वेबसाइट पर हनुमान जी के हर दिन के लाइव दर्शन की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमने इस वेबसाइट का नाम भी लिखा है, आप जाके उस पे भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कष्ट भंजन हनुमान से जुड़ी कहानी और शनि देव और हमारे हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग, जिसमें कि शनि देव को हमारे हनुमान जी के कोप से बचने के लिए बनना पड़ा था स्त्री। तो दोस्तों, आपको हमारा चैनल इंडियन रिचुअल्स और उस पे आई हुई कहानियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। धन्यवाद।